खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कमलेश शाह और नगर परिषद के अध्यक्ष रही उनकी पत्नी ने सरकार के खजाने से करोड़ों रूपयों का घोटाला कर भारी भ्रष्टाचार किया। इस मामले में कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है और कमलेश शाह की पत्नी माधवी शाह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर है। पुलिस द्वारा 90 दिन के अंदर चालान पेश करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाकर रखा और आज तक जब तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं कर ली तब तक निरंतर उन पर दबाव बनाकर रखा गया और चालान को रोक कर रखा गया, लेकिन आज दिनांक तक उस प्रकरण पर चालान कोर्ट में पेश नहीं किया गया। पुलिस शासन और सरकार के दबाव में चालान पेश नहीं कर रही है क्योंकि शासन परमिशन नहीं दे रहा है। प्रकरण में पत्राचार करने के बावजूद भी चालान पेश नहीं किया जा रहा है। नायक ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कमलेश शाह पर दबाव डालकर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया। कमलेश शाह ने विधायक रहते हुए अपने आदिवासी होने का पूरा फायदा उठाकर अमरवाड़ा के हरे ग्राम में लगभग स्वर्ण वर्ग के लोगों को अपनी जमीन 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर बेची गई, जिसकी रजिस्ट्री के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि में अवैध प्लॉट काटकर बेचे गए। इस अवैध कॉलोनी में शासन की राशि से रोड नाली आदि कार्य कराए गए, जिससे करोड़ों का चूना शासन को लगा। मैं एक ऐसे प्रकरण के बारे में आप सब लोगों से बात करने के लिए जा रहा हूँ जिसके कारण छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश्वर शाह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 बार का विधायक रहते अचानक कोई कैसे जादू हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं उस प्रसंग की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसके माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बार्गेनिंग करके दबाव डाल के कमलेश शाह को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। ये प्रकरण है सन 2016 और 17 का। जो कमलेश शाह की पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष रही उस समय करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया और उस घोटाले में वो हाईकोर्ट से जमानत पर है। विडंबना यह है कि 90 दिन के अंदर शासन को उसका चालान पुटअप करना चाहिए न्यायालय के समक्ष, लेकिन उनके ऊपर दबाव बना के रखा और आज तक जब तक उन्होंने कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन नहीं कर ली, तब तक निरंतर उन पर दबाव बना के रखा गया और चालान को रोका गया और आज तक वो चालान न्यायालय के समक्ष सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया, उसकी अनुमति नहीं दी। अब प्रकरण के बारे में बता दूं कि अपनी निजी भूमि जो उनके क्षेत्र के अंतर्गत जहां से वो विधायक है, जहां से उनकी पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष है, अपनी निजी भूमि पर उन्होंने 1000 के आसपास लोगों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्लॉट काट के दे दिए और जिन्होंने प्लाट लिए उनसे अच्छी लंबी रकम उन्होंने वसूल करी और प्लाट जल्दी जल्दी इसलिए बिके कि उन्होंने नगर परिषद का पैसा करोड़ों रुपए, 26 करोड़ का तो एक ही पेमेंट हुआ, अपनी निजी भूमि जो लोगों को बेची 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, उसमें नालियां, उसमें रोड और उस कॉलोनी का मूल्य बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी बिक्री आसान हो जाए और उसकी कीमत बढ़ जाए, नगर परिषद का करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिया। ये सब पेपर मेरे पास है, एक एक पेपर, एक एक प्लॉट जो आप कहेंगे सब मैं अभी ब्रॉडकास्ट में आपके उसमें डाल रहा हूँ व्हाट्सएप में, एक एक प्रमाण है मेरे पास।
किस तारीख को कौन सा प्लाट बेचा, कितनी तारीख को नगर परिषद से कैसा भुगतान हुआ और क्या क्या हुआ, उसकी पूरी कहानी मेरे पास है, मैं आपको अभी भेजता हूँ। ये देखिए पूरे एक एक चीज मेरे पास है। नहीं मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर, इसलिए मैंने केवल ये देखिए ये भुगतान का वो है। हमारे साथ वहां के एक व्यक्ति आए हैं जिसको इसकी पूरी जानकारी है, हमारे साथ बैठे हैं संदीप भाई, अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो हम हमारे समक्ष है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बता दो भैया, एक कॉलोनी पुराना बेल बाजार, दूसरी कॉलोनी है महाराजा मार्केट, तीसरी कॉलोनी है रेस्ट हाउस के बाजू में, जो मैंने नगर परिषद से जानकारी लिया था आरटीआई के समक्ष, रेरा कानून कॉलोनाइजर एक्ट की परमिशन की छह कॉपी, जो आज तक नगर परिषद से ना तहसील से ये रेरा कानून एक्ट की परमिशन नहीं ली गई। उसके बाद उन्होंने प्लाटिंग कर श्रीमती माधवी साहब ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रोड नाली पाइपलाइन पोल के समय मतलब करोड़ों का राजस्व का नुकसान किया, उसकी छह प्रति कितना हुआ राजस्व का नुकसान? आदरणीय मैंने आरटीआई लगाया था, सिर्फ एक बिल मेरे पास है लगभग 22 से 26 करोड़ का, लगभग 22 के आसपास है, और एक ईओडब्ल्यू मैंने कंप्लेंट किया हूँ वो प्रमाण सामने है, लेकिन आज तक ईओडब्ल्यू ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने आरटीआई से संबंधित जानकारी मांगा तो उन्होंने जबलपुर कलेक्टर को दिया और जबलपुर कलेक्टर ने जो मुझे आदेश दिए, जो मुझे एक संज्ञान दिया है कि हमने छिंदवाड़ा कलेक्टर को दे दिए जांच के विषय में। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।